আগরতলা রাজভবনে বিকশিত ভারতের ভাবনা নিয়ে কর্মশালা। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিকশিত ভারত 2047 পোর্টালের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সারা দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের উপস্থিতিতে ভার্চুয়াল বৈঠকে বিকশিত ভারতের ভাবনা ও সংকল্প নিয়ে ভাষণ দেন। প্রধানমন্ত্রীর এই লাইভ অনুষ্ঠানটি আগরতলা রাজভবনে ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লুর উপস্থিতিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপাচার্য, অধিকর্তা, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের সামনে সম্প্রচার করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পর আগরতলা রাজভবনে বিকশিত ভারতের ভাবনা নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক একটি কর্মশালা ও মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 2047 সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার যে কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন তাতে শিক্ষাকে বিরাট ভূমিকা রয়েছে, বিশেষ করে শিক্ষক সমাজের। ত্রিপুরা থেকে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, এক্সটিভি বাংলা। শুভারম্ভ হো রাহা হ্যায় আর মেরা পক্কা বিশ্বাস কি 2047 তক হম বিকশিত ভারত বনা সকতে হ্যায়, মিল করকে বনা সকতে হ্যায়। আজ যাত্রা কা আরম্ভ হো রাহা হ্যায়, नेतृत्व शिक्षाविदों के हाथ में है, नेतृत्व विद्यार्थियों के हाथ में है, नेतृत्व शिक्षण जगत की इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है और ये अपने आप में देश बनाने वाली और स्वयं को भी बनाने वाली पीढ़ी का कालखंड है। उन सब के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद। शुभारंभ हो रहा है और मेरा पक्का विश्वास है कि 2047 तक हम विकसित भारत बना सकते हैं, मिलकर के बना सकते हैं। आज यात्रा का आरंभ हो रहा है, नेतृत्व शिक्षाविदों के हाथ में है, नेतृत्व विद्यार्थियों के हाथ में है, नेतृत्व शिक्षण जगत की इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है और ये अपने आप में देश बनाने वाली और स्वयं को भी बनाने वाली पीढ़ी का कालखंड है। उन सब के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद। मैं आप सभी को वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप की सफलता के लिए गवर्नर ऑफ त्रिपुरा श्री यू के केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान जी, देश भर से हमारे साथ जुड़े राज्यपाल श्री, शिक्षा जगत के महानुभाव देवी और सज्जनों, आज विकसित भारत के संकल्पों को लेकर बहुत ही अहम दिन है। मैं सभी गवर्नर्स को विशेष बधाई दूंगा कि उन्होंने विकसित भारत के निर्माण से जुड़ी इस वर्कशॉप का आयोजन किया है। देश की युवा शक्ति को दिशा देने का दायित्व जिन साथियों पर है उनको आप एक मंच पर लाए हैं। शिक्षण संस्थानों की भूमिका व्यक्ति निर्माण की होती है और व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होता है और आज जिस कालखंड में भारत है उसमें व्यक्ति निर्माण का अभियान बहुत ज्यादा अहम हो गया है। मैं आप सभी को वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हर देश को इतिहास एक ऐसा कालखंड देता है जब वो
अपनी विकास यात्रा को कई गुना आगे बढ़ा लेता है। ये एक तरह से उस देश का अमृतकाल होता है। भारत के लिए ये अमृतकाल इसी समय आया है। ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब देश एक क्वांटम जंप लगाने जा रहा है। हमारे इर्द गिर्द ही ऐसे अनेक देशों के उदाहरण हैं जिन्होंने एक तय समय में ऐसा ही क्वांटम जंप लेकर खुद को विकसित बना लिया। इसलिए ही मैं कहता हूं भारत के लिए भी यही समय है, सही समय है। हमें इस अमृत काल के पल पल का लाभ उठाना है। हमें एक भी पल गंवाना नहीं है। साथियों, हम सभी के सामने प्रेरणा के लिए आजादी का हमारा लंबा संघर्ष भी है। जब हम एक ध्येय के साथ, एक जोश एक जज्बे के साथ आजादी को अंतिम लक्ष्य मानकर मैदान में उतरे, तब हमें सफलता मिली। इस दौरान सत्याग्रह हो, क्रांति का रास्ता हो, स्वदेशी को लेकर जागरूकता हो, सामाजिक और शैक्षिक सुधार की चेतना हो, ये सारी धाराएं एक साथ मिलकर आजादी के आंदोलन की ताकत बन गई थी। इसी कालखंड में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, विश्व भारती, गुजरात विद्यापीठ, नागपुर यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, आंध्र यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, ऐसे अनेक संस्थानों ने देश की चेतना को सशक्त किया, रिप्रेजेंट करते हैं। वहां आपको देश की युवा ऊर्जा को इस एक त्रिपुरा लाइक दैट यू हैव टू थिंक, यू हैव टू डिस्कस एंड कम फॉरवर्ड। दिस इज माई फीलिंग एंड इफ वी गो ऑन थिंक यू विल गेट आइडियाज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर। इफ यू सी द बर्ड्स, दे विल हैव देयर ओन स्मॉल हट्स, houses, I can't tell in other this thing, but how they individual different birds, they prepare different nests for them. So you have to, you can think in that direction, you can come up with a good this thing. And particularly the government here, now it is bringing number of schemes. Vishwakarma ले लोकल कारपेंटर काम करते हैं, कटिंग वाले हैं, धोबी वाले हैं, जो भी है उसको ट्रेनिंग करके नया मशीन देके और ट्रेनिंग के टाइम पे उन स्टाइफंड देके उसके बाद में 20,000 का उनका कोई भी ये है यूटेंसिल्स है उसको खरीद के दे रहे हैं, उसके बाद में लोन दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे। तो ये चीज आम पब्लिक को मालूम करना, एजुकेट करना और उसमें भी नया टेक्निक कुछ आए उसको भी अपन लेना। और बहुत से स्कीम्स है, ये सब आप
पब्लिक आम पब्लिक के पास लेके जाके उसको हाउ बेस्ट यू कैन यूटिलाइज एंड हाउ बेस्ट यू कैन ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर द त्रिपुरा यू हैव टू गिव सजेशंस एंड lastly I only tell that there should be lessons in social sciences on government government policies schemes and welfare program also the implementation of these schemes with modern methods in the field of science should be seen whether it will reach the common man I want you all to contribute to this thank you very much for all